वेलकम टू द चैनल एवरीवन। दुनिया में आज भी ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनको आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। इस वीडियो में हम लोग दुनिया के अजीबोगरीब रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिनको बहुत से विद्वान और वैज्ञानिक रिसर्च कर थक चुके हैं, मगर इन रहस्यों को आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चीन की जिनजुई, जिसे लेडी ऑफ डाई के नाम से भी जाना जाता है, उनकी मौत करीब 2000 साल पहले हुई थी, पर आज भी उनकी बॉडी बिल्कुल सुरक्षित है। किसी भी व्यक्ति की 2000 साल पुरानी मम्मी को सुरक्षित रख सके ऐसा होना बहुत मुश्किल है, पर ऐसा हुआ है। चीन की लेडी डाई की बॉडी जब मिली थी तब उसकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट थी और उसके जोड़े भी हिल रहे थे। आज भी ये बॉडी वैसे की वैसी ही सुरक्षित हालत में है। 6 इंच का नर कंकाल, आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि 6 इंच का नर कंकाल भी हो सकता है। जी हाँ, ये सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन चिली के घोस्ट टाउन में एक 6 इंच का नर कंकाल भी मिला था, जो आज भी लोगों में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस कंकाल की खास बात यह थी कि इसके दांत बहुत मजबूत थे और इसके शरीर पर धारियाँ बनी हुई थी। कुछ लोगों ने इस कंकाल को मानव कंकाल ही माना है, पर सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या एक 6 इंच का आदमी भी हो सकता है? हेचिंग अर्थक्वेक, चाइना। 1975 में चीन के हियांग सिटी में भूकंप आया था। उस समय वहाँ के लोगों की जान किसी इंसानों ने नहीं बल्कि वहाँ के जानवरों ने बचाई थी। हुआ यूँ था कि भूकंप आने से ठीक कुछ समय पहले वहाँ के जानवर अजीबोगरीब बर्ताव करने लगे थे। जानवरों की अजीबोगरीब हरकतों से पूरा शहर खाली करवा दिया गया और सिटी के खाली होने के कुछ समय बाद ही वहाँ पर इतना तेज़ भूकंप आया कि चीन का पूरा शहर 90% तक तबाह हो गया। उसकी तीव्रता करीब 7.3 मैग्नीट्यूड थी। एक गड्ढे में समा जाता है आधे नदी का पानी। दुनिया में एक नदी ऐसी भी है जिसका आधे से ज़्यादा पानी एक छेद में समा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द डेविल्स केटल नामक छेद की, जो एक नदी के पास बना है, और जब भी नदी उसके पास से गिरती है तो नदी का आधे से ज़्यादा पानी उसमें समा जाता है। इस छेद पर काफ़ी रिसर्च किए गए, पर आज तक कोई भी पता नहीं लगा सका कि इतने से छेद में इतना पानी आ कैसे जाता है और इतना सारा पानी कहाँ चला जाता है। स्विमिंग करने के दौरान गायब हो गए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री का देश में बहुत बड़ा ओहदा होता है, और अगर किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को अचानक कुछ हो जाए तो पूरे देश में खलबली मच जाती है। अगर किसी भी वजह से प्रधानमंत्री लापता हो गए तो उन्हें चंद सेकंड में ढूंढ लिया जाता है। पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हेरोल्ड होल्ड, जिन्होंने 22 महीने पहले ही अपना कार्यभार संभाला था, चेवियट बीच पर स्विमिंग करते हुए अचानक गायब हो गए। उनके गायब होने के तुरंत बाद ही अनेक डाइवर्स, एयरफोर्स और हेलीकॉप्टर्स लगाए गए, लेकिन हेरोल्ड का कहीं कोई पता नहीं चला और आज तक उनके बॉडी का पता नहीं लगाया जा सका।